नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास आया है ब्लूटूथ बनने के लिए, तो इसका दोनों स्पीकर काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये स्पीकर भी चेंज कर सकते हैं इसको यहाँ से आराम से खोल के, मगर खोलने में क्या होता है, क्या है कि टूट टूट जाता है, तो सही से काम नहीं करता है। अगर सही से खोलेंगे तो फिर मतलब स्पीकर चेंज कर देंगे तो काम होगा अच्छा से, ठीक है। तो कस्टमर कहना है कि जो है दोनों चेंज कर देने के लिए, तो मेरे पास एक ईयरफोन था, देखिए ये ईयरफोन था, तो मैंने ठीक है देखिए ये ईयरफोन था, तो मैंने इसका यहाँ से जो है दोनों तार को काट दिया है, ठीक है। और यही जो है तार जो है दोनों में सेट कर देंगे, ठीक है। तार काट के सोल्ड कर चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको हम खोलते हैं कि क्या दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए हम जो है इसको खोल देते हैं, दोनों में लगाना है, तो ऐसे देखिए तार भी ऐसे टूटा हुआ है, क्योंकि कस्टमर जो है थोड़ा सा अपने से भी कोशिश किया था, नहीं हुआ, ठीक है। देखिए ईयरफोन में होता कुछ नहीं है, इसका बहुत से बहुत बैटरी बैकअप नहीं देगा, या नहीं तो ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है स्पीकर काम नहीं करता, स्पीकर चेंज कर दीजिए हो जाएगा, नहीं तो काट के जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। रियर केस में ही इसका किट में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो देखिए ये खुल नहीं रहा है क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा फेविक्विक डाल चुका है, दिखाई तो ऐसा दे रहा है फेविक्विक डाला हुआ है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा सावधानी से खोलना पड़ता है। हाँ तो देखिए दोस्तों, मैंने खोल दिया है इसको, ठीक है। और देखिए मेन तो किट यही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको वॉश कर देते हैं, थोड़ा गंदा वगैरह हल्का लग रहा है, डस्ट सब है। देखिए इसमें कभी हो सके तो जैसे माइक काम नहीं करता हो, ठीक है, तो ज़्यादा इसमें बीमारी आता नहीं, सब नॉर्मल बीमारी आता है, चाहे ये ईयरफोन हो चाहे ये ईयरफोन हो, ठीक है। देख रहे हैं ये सब, और हम तो बहुत ऐसा मतलब क्या किए हैं, देख लीजिए आप, तो दिखा देते हैं आपको, ठीक है। कि देखिए बहुत ऐसा जैसे ये सब ईयरफोन है ना, ठीक, इसमें देखिए सैमसंग का ईयरफोन ओरिजिनल लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। ऐसे ये तो ख़राब है पुराना, इसको ठीक नहीं किए हैं, रखा हुआ है, तो अब सैमसंग का ही जैसे बाइक चलाते हैं तो ये सब रबड़ वाला है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, तो अब सैमसंग का ओरिजिनल या कोई भी कंपनी का रहे या कोई भी अच्छा सा मतलब ईयरफोन है जो ख़राब हो गया है, ठीक है, तो उसका काट के आप इजी वे में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा, मैंने बहुत सारा किया है, ठीक है। तो देखिए इसको जो है सेट करना है, ठीक है, तो थोड़ा इसके अंदर जो है डालना है, तो थोड़ा सा हिसाब से डालना पड़ेगा छेद करके थोड़ा, तो इसका कनेक्शन खोल देते हैं पहले। देखिए इसमें बहुत सारा कनेक्शन है, तो कनेक्शन तो आपको पता होना चाहिए होता क्या क्या है। देखिए ये हो गया चार्जिंग पिन, ये हो गया माइक, ये हो गया क्रिस्टल, ये आईसी है, ठीक है। और स्पीकर तार तो दो को छोड़ दिए, हटा दिए हैं। देखिए इसमें चार तार हैं, तो क्या है कि ये जो है ये प्लस माइनस से बैटरी का है, क्योंकि इस जगह बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। और ये दो को जो है दो को स्पीकर का तार है, ठीक है, क्योंकि इस जगह स्पीकर लगेगा ना, ठीक है, लेफ्ट राइट, एक तो स्पीकर का तार तो यहाँ है ही, एक तरफ इधर से आया है अंदर से, यहाँ स्पीकर तार लगेगा, दो को बैटरी का है ही, ठीक है। तो आप देखिए होता है क्या, किसी से बैटरी का कम टिकता है, तो बैटरी भी जैसे कोई भी खराब बैटरी है किसी में छोटा सा, ठीक है, ब्लूटूथ हो या कोई भी खराब ब्लूटूथ वगैरह सब रहता है, उसका बैटरी भी लगा दीजिएगा, या तो डबल बैटरी भी लगा दीजिएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा। मेरे पास जो अभी जो सैमसंग का दिखाएं आपको, उसमें हम एक्स्ट्रा बैटरी लगाएं, दो बैटरी का उसमें, अब बहुत ही अच्छा बैकअप देता है, नॉर्मल है, U1 का है, कम वाला है, मगर बैकअप इतना अच्छा देता है कि पूछे मत, दिन भर आप गाना सुनोगे ना तब बैटरी आपका जो है मतलब डाउन होगा, ठीक है, नहीं तो बहुत अच्छा चलेगा, नहीं तो ये सब ये ब्लूटूथ 3-4-5 घंटा से ज़्यादा नहीं देगा आपको, है ना। तो अब देखिए ये कैसे अब लगाएंगे इसमें भी, तो कैसे अब इसके अंदर जो है डालेंगे, तो देखिए इसमें तो ऐसे तो जो होगा नहीं,
ठीक है, थोड़ा सा इसका छेद जो है बड़ा करना पड़ेगा। ठीक, घर में आराम से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक सोल्डिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, स्पीकर जो है आप चेक कर लीजिएगा कि सही है क्या नहीं। ठीक है, एक छोटा सा लाइट टेस्टर है, दिखाते हैं। ये लाइट टेस्टर से हम जो है चेक कर चुके हैं कि हाँ सही है कि नहीं है। ठीक है, दोनों स्पीकर चेक कर लिए हैं। ठीक है, पता चलेगा कि ये स्पीकर ही ख़राब है, आप लोगों को पता ही चलेगा कि हाँ कहाँ बीमारियाँ नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर डाल के इसमें जो है, हाँ तो दोस्तों, तो देखिए मैंने घुसा दिया है। ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सी लपेटा मार देते हैं ताकि ये तार खिंचाएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए लपेटा मार दिया है मैंने। ठीक, और देखिए यहाँ पे जो है सोल्ड कर देते हैं, इस जगह जो है सोल्ड कर देते हैं। ठीक, सोल्ड करके आप, तो दोस्तों मैंने सोल्ड कर दिया है। ठीक है, देखिए, और इसमें जो है इसमें आप टेप भी मार सकते हैं, नहीं तो कोई गोंद भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये गोंद है, तो गोंद भी डाल देंगे तो एक दूसरे में टच नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, मैंने गोंद भी डाल दिया है। ठीक, देखिए दोस्तों, उसके बाद यही कंडीशन जो है सेम इधर भी करेंगे। देखिए दोस्तों, आराम से कर दिया है ये। सेम ऐसे ही जो है इसमें भी डालेंगे। आ गया है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो अगर कोई कहीं से भी कोई भी तरह का दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट में बोलें, हम आपको जहां तक हो सके कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो घुस नहीं रहा था। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया है, और यहाँ भी मैंने बांध दिया है ताकि घीचे तो निकले नहीं। ठीक, इससे में से कुछ होता नहीं है, लोग ऐसे फेंक देते हैं अच्छा अच्छा हेडफोन। ठीक है, तो मैंने दो जगह सोल्ड है, दो जगह मैंने सोल्ड कर देता है। बहुत कोई तो यूट्यूब के लिए भी जो है वीडियो वगैरह बनाते हैं तो इसमें जो है अच्छा खासा माइक लगा देते हैं, तो उसी से मीडियम में काम चलता है। ठीक है, तो दोस्तों तब इसमें जो है आपको फंसा लेना है, फंसा देना है ताकि छोटा बड़ा का दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, फंस गया है। सेम ऐसा कंडीशन इधर भी करना है। हो गया, और दोस्तों ये तो रेडी हो गया है, बस इसको जो है थोड़ा फिट करना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसको
एक तो हो गया है दोस्तों, ठीक है। इसमें आप जो है टेप मार सकते हैं, ठीक है, हल्का सा इधर इधर भी हल्का टेप मार सकते हैं, यानी तो हल्का फेविक्विक भी दे सकते हैं, ठीक है। वही होता है क्या कि कभी कुछ रिपेयर के लिए आता है, फेविक्विक डाल देने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ठीक है, निकालने में ऐसे भी थोड़ा बहुत चलता है। देखिए दोस्तों मैंने कस दिया है, हम देखिए दोस्तों मैंने फिट तो कर दिया है, ठीक। अब जो है इसको कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है, ऑन करके देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। देखिए ऑन हो गया है। अब थोड़ा ब्लूटूथ दूसरा फ़ोन है तो इसको जो है इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये जो है पहले कनेक्ट किए थे तो काम स्पीकर काम नहीं कर रहा था, तो यही मॉडल है RBH 1005, ठीक है। तो कनेक्ट तो हो चुका है, अब देखते हैं कि बजता है क्या नहीं, काम करता है कि नहीं। एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजाते हैं, ठीक है, और देखिए आवाज़ आपको सुनाते हैं हम, सुनिए। देखिए आपको आवाज़ जा रहा होगा सर, हल्का हल्का इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग, ठीक है, देख रहे हैं। तो दोस्तों ये ठीक हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।